दोस्तों अगर आपका भी ई श्रम कार्ड बना हुआ और आप भी ई श्रम कार्ड के पैसे का वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं कि आपको ई श्रम कार्ड में कौन सा वो अपडेट करना होगा, उस अपडेट के बाद ही आपको पैसे मिलने लगेंगे। तो कौन सा अपडेट करना है, कैसे आपको अपडेट करना है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो अगर आप अपने ई श्रम कार्ड में अपडेट करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना होगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको ई श्रम कार्ड अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन करना होगा। जैसे प्ले स्टोर को ओपन करिएगा, आपको यहाँ पर टाइप करना होगा उमंग। आपको सबसे पहले आपको उमंग यहाँ पर टाइप करके इसको सर्च कर देना है। जैसे आप इसको सर्च करिएगा, देखिएगा आपके सामने कुछ ही तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। बस आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर ओपन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, बस आपको ओपन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके ओपन कर लेना है। आपको क्या अपडेट करना है, कैसे अपडेट करना है, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और समझ लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं उमंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको देखने को मिल जाता है सबसे पहले काम क्या करना है, वेलकम टू उमंग का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको रजिस्टर या लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर या लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर अगर आप उमंग पोर्टल पहले से रजिस्टर्ड है, अपना मोबाइल नंबर टाइप करेगा, एम पिन को टाइप करेगा, लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन हो जाना है। लेकिन अगर आप एक नए यूजर तो यहाँ पर आपको देखने मिलता है रजिस्टर हियर का ऑप्शन, आपको इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो यहाँ आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है, चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और रजिस्टर वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे रजिस्टर वाला ऑप्शन पर आप क्लिक करिएगा तो यहाँ आपके मोबाइल नंबर को ओटीपी को सेंड किया जाएगा। ओटीपी आपको टाइप करना है। ओटीपी टाइप करने के बाद वहाँ से एक एम पिन क्रिएट कर लेना है। क्रिएट कर लीजिएगा, यहाँ आपको देखने मिलता है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ लॉग इन हियर का ऑप्शन देखने मिलता है, आपको लॉग इन हियर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, एम पिन टाइप करना है, लॉग इन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके लॉग इन हो जाना है। लॉग इन हो जाएगा तो लॉग इन होने के बाद देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और यहाँ आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली है। जितनी भी सरकारी गवर्नमेंट की सुविधा है, जितनी भी स्कीम है, सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अब आपको ई श्रम कार्ड का काम करना है, ई श्रम कार्ड में अपडेट करना है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है सर्च फॉर ई सर्विस, तो आपको सर्च फॉर सर्विस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर सर्च फॉर सर्विस वाला ऑप्शन पर क्लिक करिएगा तो बस आपको यहाँ पर सर्च करना होगा। सर्च कैसे करना है वो आप ध्यान से समझिएगा। आप यहाँ पर सर्च कर लिए, अब यहाँ आपको टाइप करना होगा ई श्रम, ठीक है, आपको यहाँ पर टाइप कर देना है ई श्रम। आपको पहले जो लिंक देखने मिलता है बस आपको उसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे उस पर क्लिक करिएगा देखिएगा आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिएगा दो ऑप्शन देखने मिलता है सर्विस का और यहाँ डिपार्टमेंट का, तो आपको डिपार्टमेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे डिपार्टमेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो यहाँ पे ई श्रम कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको ई श्रम कार्ड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक करेगा देखिएगा आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। देख सकते हैं आपके सामने कुछ ही तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का। अगर आप ई श्रम कार्ड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इसके बाद अपना प्रोफाइल को अपडेट भी यहाँ पर कर सकते हैं, डाउनलोड इवेंट कार्ड, अपना इवेंट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, अपने प्रोफाइल को यहाँ से देख भी सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले अपडेट का, तो यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल वाला ऑप्शन को क्लिक कर देना। देख सकते आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा, जो आपके आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर होगा वो मोबाइल नंबर शो हो जाएगा। यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अगर शो नहीं होता तो मोबाइल नंबर टाइप करेगा और सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर को ओटीपी को सेंड किया जाएगा, ओटीपी आपको यहाँ पर टाइप करना है, वेरीफाई ओटीपी वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से अपने ओटीपी को वेरीफाई कर लेना है। जैसे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाता है फिर आपको यहाँ पर आधार नंबर टाइप करना होगा, सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आधार में रजिस्टर जो मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी को सेंड किया जाएगा, ओटीपी आपको टाइप करना होगा और वहाँ पर आपको कन्फर्म कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं आधार नंबर जब टाइप कर लीजिएगा बस आपको सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपके आधार में रजिस्टर मोबाइल नंबर ओटीपी को सेंड किया जाएगा, ओटीपी आपको यहाँ पर टाइप करना है, वेरीफाई ओटीपी वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। चलिए ओटीपी आने तक का वेट कर लीजिएगा। वेट करिएगा तो आपके सामने देखिएगा ओटीपी आ चुका है, तो आपको इस तरीके से ओटीपी को टाइप कर देना है, ठीक है। तो चलिए ओटीपी को हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। टाइप करने के बाद बस आपको वेरीफाई वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई ओटीपी वाला ऑप्शन आप जब क्लिक करिएगा तो फिर देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और यहाँ आपको पूरा डिटेल देखने को मिलता है। जो आपके आधार कार्ड में डिटेल होगा वही डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलता है अपडेट ई केवाईसी इन्फॉर्मेशन, आपको इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपको इस चेकबॉक्स पर क्लिक नहीं करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर अपडेट ई केवाईसी इन्फॉर्मेशन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसका आपको पूरा डिटेल यहाँ पे देखने को मिलता है। आपको यहाँ पे साइड में स्क्रॉल करना है, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो भी आप अपडेट करना चाहते हैं वो अपडेट कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे जो अपडेट करना है वो आप ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर आपको एजुकेशन यहाँ पर आकर इधर आ जाएगा ऑक्यूपेशन, तो जो यहाँ पे ऑक्यूपेशन स्किल दिया हुआ है आपको इसी को अपडेट करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आर यू ए प्लेटफॉर्म वर्कर आपको इस पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिएगा इसी में आपको अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एडिट का जो ऑप्शन देखने को मिलता है आपको एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कन्फर्म कर देना है, ठीक है। एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से कन्फर्म कर दीजिएगा। कन्फर्म करने के बाद देखिएगा ये अब एडिट करने का ऑप्शन ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर देखने को मिलता है आर यू ए प्लेटफॉर्म वर्कर, तो आपको यहाँ पर पहले यस करना है, ठीक है।
पहला काम यस करना है, उसके बाद आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रेजर, आपको यहाँ पर किस टाइप का काम करते हैं, जैसे राइड शेयर सर्विस, फूड एंड ग्रोसरी, लॉजिस्टिक, हेल्थ केयर, जो भी आप काम करते हैं, जो भी वर्क करते हैं, आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करिएगा, यहाँ आपको प्लेटफॉर्म का उसका नाम सेलेक्ट करना होगा। चलिए यहाँ पर नाम क्लिक करिएगा तो आपको बिग बास्केट, चाय पॉइंट, फ्रेश टू होम, ग्रोफर्स, आपको किस टाइप का काम करते हैं, स्विगी में काम करते हैं, जोमेटो में काम करते हैं, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लीजिएगा, इसके बाद आपका जो आईडी प्लेटफॉर्म रहेगा वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आपको आना है, जब पूरा डिटेल को फिलअप कर लीजिएगा, आपका जो भी यहाँ पर अपडेट का एक ऑप्शन देखने मिलता है, आपको अपडेट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अगर आपका कोई ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है, अगर आप स्विगी में काम करते हैं उसका कोई आईडी कार्ड है, तो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, नहीं तो आपको यहाँ पर अपडेट वाला ऑप्शन आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप अपडेट कर लीजिएगा तो अपडेट करने के बाद आपका यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, और आपको ये नोटिफिकेशन कहाँ पर शो हो रहा है वो चलिए हम आप जान लेते हैं। आपको क्यों अपडेट करना है वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले आप देखिएगा आपको हम अपडेट करने के लिए क्यों बोले हैं, उसके लिए आप यहाँ पर देखते हैं रजिस्टर ऑन ई श्रम, यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन जो देखने को मिलता है। आप ई श्रम कार्ड पोर्टल पर आइएगा तो आपको यहाँ पर अपडेट का जो ऑप्शन देखने मिलता है, अपडेट वाला ऑप्शन जब क्लिक करिएगा तो फिर देखिएगा यहाँ एक पॉपअप शो कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर बताया गया कि यदि आप एक प्लेटफॉर्म वर्कर हैं, जैसे कि ओला, उबर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आदि के साथ काम कर रहे हैं, तो कृपया देखिएगा तो कृपया ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करें या अपना विवरण अपडेट करें। तो मतलब यही है कि अगर आप इन सब जगह पे वर्क करते हैं तो आपको यहाँ पे जो आपका यहाँ पे ई श्रम कार्ड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया गया है उसमें आपको अपडेट करना होगा। तो कैसे अपडेट करना वो आपको पहले ही बता दिए, तो आपको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको ई श्रम कार्ड का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आ गई वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।